सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। बच्चों को हेलो। बच्चों, मैं फिगमोंग साइंस एकेडमी के डायरेक्टर। यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, कोरोना काल चला हुआ है। कोरोना काल में अब थोड़ी पॉजिटिव बात करते हैं, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। कोरोना को हराना है, बच्चों को जिताना है। कोरोना को हराना है, बच्चों को जिताना है। पहली स्लाइड पे आपको पढ़ने को मिल रहा है, अगर बच्चों पर ध्यान दे लिया तो भविष्य बचा लिया, बच्चों पे ध्यान दोगे तो भविष्य बच जाएगा। बात करते हैं कोरोना काल में। अब कोरोना काल में आपके पास ज्यादा टाइम है, बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हो। ध्यान, ध्यान की बात करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आपको, ये जो आप पढ़ पा रहे हो, ध्यान, ध्यान के ऊपर बात करते हैं। ध्यान देने से बच्चे का बदल जाएगा विज्ञान, बच्चा हो जाएगा विद्वान, जीवन हो जाएगा आपका आसान। ध्यान से बच्चे का विज्ञान बदलेगा, विज्ञान बदलेगा तो बच्चा विद्वान हो जाएगा, जीवन आपका आसान हो जाएगा। तो हर रोज की एक्टिविटी आपको देखनी है कि बच्चा किससे मिलता है, किसके साथ बैठता है, किससे क्या सीख रहा है, कौन सा सीरियल देख रहा है, टीवी पे क्या सुनता है, रेडियो पे क्या सुनता है, हर चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। क्योंकि बच्चा बच्चा नहीं है, धीरे धीरे उसका मेंटल जो लेवल है वो बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे पक रहा है। तो आपको देखना है कि ये जैसे आपको फोटो में देख रहा है कि ये क्यूट बच्चा है, दूसरा ये क्यूट बच्चा है, कि आपका बच्चा किससे बात करता है, कौन सी बुक से क्या सीखता है, ये सारी चीजें आपको नोट करनी होंगी। जैसे एक फार्मर होता है, रोज खेत जाता है, देखता है कि मेरी फसल को कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना कितना टाइम लग जाएगा पकने में। वैसे ही आपको देखना है कि मेरे बच्चे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना होनेस्ट है मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का बिहेवियर कैसा है, मेरा बच्चा दूसरे से कैसे बात करता है, खड़ा कैसे होता है, बोलता कैसे है, पढ़ता कितना है, स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ये सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। याद रखिए, ध्यान देने से बच्चे का बदल जाएगा विज्ञान, विज्ञान से बच्चा हो जाएगा विद्वान, और विद्वान से आपकी जीवन हो जाए, आपका जीवन हो जाएगा आसान। तो सेकंड स्लाइड की बात करते हैं। सेकंड स्लाइड में आपको दिख रहा है, सेकंड स्लाइड में यहाँ पे आपको बछड़ा एक दिख रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे अच्छे से। ये एक बछड़ा है मेरे पास, और आप, ये बछड़ा नहीं बच्चा है, और बच्चा ही आपकी बचत है। ये बछड़ा है जो कि दो सिंगों वाला है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ऐसे ही आपका बच्चा नजर आएगा कुछ टाइम बाद, और अगर आपका बच्चा बछड़े की तरह आवारा हो गया, और आवारा अगर हो जाएगा तो आपको कर देगा बेसहारा, आप हो जाओगे बेकिनारा, दरकिनार कर देगा आपको, आप बेसहारा हो जाओगे। तो आपको अपने बच्चे की बचत पे ध्यान देना है। आपके पास बैलेंस में बैलेंस बैंक में बहुत सारा बैलेंस अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, आपके पास बिजनेस है, आपका टाइम अच्छा चल रहा है, आपके मजे आ रहे हैं, लेकिन लाइफ में बहुत सारी अनसर्टिनिटी है। जैसे कोरोना काल में बहुत सारी चीजें बदल गई, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, वैसे ही लाइफ में जो आपकी सेविंग्स है खत्म हो सकती है, बिजनेस खत्म हो सकता है, लेकिन आज की जो इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चे की वो फॉरएवर आपके काम आएगी। बच्चा आपका सहारा है, बच्चे को आपको बछड़ा नहीं होने देना है, आपको बच्चे को बहुत अच्छे से बचत करनी है अपनी, और भविष्य को अपने सिक्योर करना है। तो आपका बच्चा बछड़ा नहीं है, आपका बच्चा है, और आपका बच्चा ही आपकी बचत है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है, आज डिसाइड होगा कि आपका बच्चा कल क्या होगा, आज डिसाइड होगा आपका बच्चा कल क्या होगा। ये कैसे पता चल सकता है आपको? जब आप ध्यान दोगे, ध्यान देने से आपके बच्चे का बदल जाएगा विज्ञान, विज्ञान से बच्चा हो जाएगा विद्वान, जीवन हो जाएगा आपका आसान। बिल्कुल सही सुना आपने। तो आपको अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना है, कोरोना काल में कुछ पॉजिटिव करना है, कोरोना को हराना है, बच्चे को जिताना है। आप अपने बच्चे को ध्यान दोगे तो आपको बच्चे की रुचि पता लगेगी, आपका बच्चा कहाँ इंटरेस्ट लेता है, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चा किस कैस क्या गाने सुनता है, कौन सी वीडियोस देखता है, उससे आपके बच्चे को आपको रुचि पता लगेगी। रुचि से आपके दिमाग में बन जाएगी सूची, सूची बनने से आपको पता लग जाएगा कि आपका बच्चा किस सूची में आता है। आपका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, आपका बच्चा एक इंजीनियर बन सकता है, ना सिर्फ एक इंजीनियर बल्कि बेस्ट इंजीनियर बन सकता है, एक अच्छा आईआईटीयन बन सकता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक आईआईटीयन आपका बच्चा बन सकता है, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, आपके लिए मेडल ला सकता है, ना सिर्फ आपका बल्कि कंट्री का नाम चमका सकता है, हमें एक गोल्ड मेडलिस्ट मिल सकता है, एक ब्रेव आर्मी ऑफिसर हो सकता है, कंट्री का नाम रोशन कर सकता है। तो आप ध्यान दोगे तो आपको बच्चे की रुचि पता लगेगी, जिससे बन जाएगी सूची। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको स्टोरीज के बारे में बताऊंगा। हाँ, स्टोरीज का मतलब होता है कहानियां आपने अपनी दादी से सुनी होंगी, अपने पेरेंट्स से सुनी होंगी। कहानियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कहानी, स्टोरीज। अब एक अच्छी कहानी है जिसमें बहुत अच्छे से बच्चा उल्लू बनाता है। बच्चे कोई कहानी सुनाओ, बच्चे ने कहानी सुनाई, एक था राजा एक था रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नई कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, कहानी यहीं से शुरू होती है।
जैसे मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। एक है मम्मी एक है पापा, यहीं से बच्चे की शुरू हुई जीवन गाथा। एक मम्मी है एक पापा है, यहीं से बच्चे की जीवन गाथा शुरू होती है। आप बच्चे को कैसी कहानियां सुनाते हो, कैसे लेसन आप पढ़ाते हो, कौन सी बुक्स सुनाते हो, कौन सी बुक्स आप पढ़ाते हो, यहीं से बच्चे की आपकी आपका मोरल बिल्ट होता है, आपका करेक्टर बिल्ट होता है, उसका बिहेवियर बिल्ट होता है। तो स्टोरीज में आप एक स्पिरिचुअल लीडर स्वामी विवेकानंद की कहानी सुना सकते हो, एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर भगत सिंह की कहानी आप सुना सकते हो, डॉक्टर एपीजे कलाम साहब को आप सुना सकते हो, कल्पना चावला की कहानी आप सुना सकते हो। अगर आपने बायोग्राफी आपको आपको बच्चे को आज आप बायोग्राफी पढ़ाओगे तो कल बच्चे के जीवन में बर्बादी आने से बचाओगे। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आप बच्चे को बायोग्राफीज पढ़ाओगे कल जीवन में बच्चे की बर्बादी आने से बचाओगे। तो बायोग्राफीज पढ़ानी है, बायोग्राफी पढ़ाने से ना सिर्फ बच्चे की ग्रोथ होगी बल्कि आपको भी 10 बात नई बातें सीखने को मिलेंगी, बायोग्राफीज के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। कोरोना में पॉजिटिव करना है, कोरोना में पॉजिटिव कुछ करना है, कोरोना को हराना है, बच्चे को जिताना है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले चलता हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड में आपको आपको पढ़ने को मिल रहा है तैयारी जीत की। हाँ बिल्कुल तैयारी जीत की करनी है, आपका बच्चा फाउंडेशन क्लासेस में, आपका बच्चा 7th, 6th, 8th, या 9th या 10th में है, ये फाउंडेशन क्लासेस होती है, यही से डिसाइड होगा आपका बच्चा कल क्या करेगा, कौन से कोर्सेज में जाएगा, क्या अचीव करेगा, उसकी सक्सेस कितनी होगी। तो आप यहाँ पे जब छोटी क्लासेस में आपके पास जब बच्चा छोटा है तो आप उसको जल्दी चेंज कर सकते हो, अच्छी करिकुलम में बिल्ट डाल सकते हो, बच्चा अच्छे से काम करवा सकते हो, बच्चे की हैबिट्स बना सकते हो, काम करने का आदि उसको बना सकते हैं, वो चाहे कोई भी काम हो। तो आप सैनिक स्कूल की तैयारी करा सकते हैं, बच्चे से रिम्स की तैयारी करा सकते हैं, ओलंपियाड या फिर NTSC की तैयारी आप करा सकते हैं। ये तैयारी करने से आपके बच्चे में क्या चेंजेस आएंगे, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, बच्चा डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, बच्चा एग्जाम्स की तैयारी करना सीख जाएगा, कंपटीशन फेस करना सीख जाएगा, क्योंकि हर रोज मर्रा की जिंदगी में हम हर रोज कंपटीशन को फेस करते हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड से, दोस्त से, या अपने किसी भी चीज से हम देखते हैं कि हर रोज हमें कॉम्पिटिशन को फेस करना होता है। तो बच्चा कॉन्फिडेंट कॉम्पिटिशन से कॉन्फिडेंट हो जाएगा, तो आप बच्चे से कॉन्फिडेंस इन सब चीजों की तैयारी करा सकते हो, सैनिक स्कूल, रिम्स, ओलंपियाड या NTSC। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं ले चलता हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड में आपको आप सभी पेरेंट्स को ये दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट ना करना भूले, कमेंट बॉक्स आपका है, बहुत आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हैं ये आपको कमेंट करना होगा, नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पे डिसाइड होगा कि किस चीज के ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोरोना काल में हमें कुछ पॉजिटिव करना है, कोरोना को हराना है, बच्चे को जिताना है। अगर आपने बच्चे पे आज ध्यान दे लिया तो बच्चे का विज्ञान बदल जाएगा, विज्ञान बदलेगा तो बच्चा विद्वान हो जाएगा, आपका जीवन हो जाएगा आसान। तो वीडियो को आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पे चाहते हो, आपके आपके बच्चे के ऊपर, स्टडी के ऊपर, बच्चा कैसे पढ़े, कौन सा कंपटीशन की तैयारी करे, कोई कंफ्यूजन है आपको वो क्लियर करना है, तो उन सब चीज़ों को आपको कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देखो कि किसको आप वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हो, किन किन पेरेंट्स को इस वीडियो की जरूरत है। तो टाइम देके वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए सभी पेरेंट्स का और सभी बच्चों से बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार, थैंक यू।